तो हमारे साथ हैं रेहान महफू साहब। ये बेहद होनहार स्टूडेंट हैं हमारे, और इन्होंने नीट में जो अभी रिसेंटली नीट का रिजल्ट आया 2021 का, उसमें शानदार अचीवमेंट हासिल किया है और 627 मार्क्स के साथ इन्होंने 9156 जैसी शानदार रैंक हासिल की है। और आज चूंकि रेहान साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूं आपकी इस शानदार उपलब्धि के लिए, इस अचीवमेंट के लिए, और आपको बता दूं कि बहुत बहुत आप एक शुक्रिया। रोल मॉडल हैं आप कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो कि बेहद लिमिटेड रिसोर्सेज में तैयारी करने के लिए मजबूर हैं, या बहुत से तो ऐसे भी होंगे जो कि सोच के डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बहुत ही टफ एग्जाम है, और इनफैक्ट ये बहुत टफ एग्जाम में से है भी, लेकिन इतनी आसानी से आपने ये क्वालिफाई कर लिया, और क्या इसकी आपकी प्लानिंग थी, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में अपना बताएं, कहाँ से आपने प्राइमरी एजुकेशन ली, कहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन ली, कैसे आपने तैयारी की, कौन कौन से हर्डल्स आए, कंसिस्टेंसी आपने कैसे बनाए रखी और मोटिवेशन आपने कैसे बनाए रखा। जी जी हेलो जी 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 भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हेलो, बताएं हाँ जी जी, मैंने पहले मेरी प्राइमरी एजुकेशन मऊ से हुई है। जी जी हमने 10th तक यहीं पर मऊ में ही पढ़ा है। इसके जी बाद 11th 12th MU से किया है, जी जी +2 MU से किया। उसके बाद फिर नीट में दिया, पहली बार तो उसमें से रह गया। जी जी इसके बाद कोचिंग के लिए मैं कोटा चला गया, वहाँ जी पे जी कोचिंग किया, और फिर इस साल अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिजल्ट आया। हाँ जी थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताएं, वालिद साहब क्या करते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह आपकी। हमारे जी जी हमारे वालिद साहब अलमिया किए हैं, जी नदवी जी है, जी 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 नदवा पे अलमिया किए हैं, और हमारी अम्मी हाउसवाइफ हैं, जी और हमारे चाचा हैं, भाई हैं, दो डॉक्टर हैं, और फिर जी तीसरे नंबर पर हम हैं, और फिर अच्छा, बाकी दो छोटे भाई हैं, आपके वो अभी इंटर कर दो रहे बड़े भाई हैं। ऑलरेडी डॉक्टर हैं। एक भाई है, एक चाचा है। अच्छा, फैमिली में माशाल्लाह दो डॉक्टर आपके ऑलरेडी हैं, और आपका नंबर तीसरा, तीसरे डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं। जी, जी अच्छा, थोड़ा बताएं तैयारी के बारे में, कैसे आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, और इतना लंबा चूंकि टाइम लगता है इस एग्जाम में, काफी टफ एग्जाम माना जाता है इंडिया में, बहुत भीड़ है यहाँ पे और बच्चे बड़ा नहीं, डिमोटिवेटेड रहते हैं, वो सब आपने कैसे मेंटेन किया। नहीं, टफ टफ का मतलब यह है कि जो सेशन का और स्टूडेंट के बैठने का वो काफी ज्यादा कम है, जी इस वजह से थोड़ा सा एग्जाम ज्यादा टफ हो जाता है, वरना अच्छा अगर कोई कोशिश करे, पढ़ना चाहे, निकालना चाहे, तो उसमें निकलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर पढ़ना चाहे तो भाई आराम से निकाल सकता है, जी जी बस मेहनत करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी लगातार बैलेंस रखी रहे, तो कि मतलब आप बीच में अगर छोड़ देते हैं कि चलो हो जाएगा आखिरी में पढ़ लेंगे, वैसे नहीं। अगर पढ़ना है तो शुरू से पूरा लगे रहो, तो आखिरी तक अगर पढ़ते रहे, या तो बच्चे होते हैं आखिरी में छोड़ देते हैं, या तो शुरू में नहीं पढ़ते हैं, या तो होते हैं शुरू में पढ़ते हैं आखिरी में नहीं छोड़ देते हैं, दोनों नुकसान हो जाता है। बस कंसिस्टेंसी अपनी आखिरी चलती रहे, आखिरी तक जी मतलब आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट मेंटेन पढ़ाई होनी तक, चाहिए टिल द कॉन्स्टेंट। एंड ऑफ द मूवमेंट। जी जी जी, अच्छा, बस बुक्स कॉन्स्टेंट कौन, पढ़ाई करते रहे, बाकी कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, कितना बुक्स। इम्पोर्टेंट है कोचिंग लेना, क्या विदाउट कोचिंग घर पर रहकर भी तैयार की जा सकती है, और की जा सकती है तो कौन कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे। ये जी सिर्फ बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, जी हमने तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी बायो के लिए, जी जी और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फिर बाकी कोचिंग वगैरह से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मतलब अगर अपने से बच्चा कर सकता है, लेकिन ये होता है कि क्या पढ़ना है हमें पता नहीं होता, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक इसके सजेस्ट लिए करना वो चाहेंगे। बायो के बच्चे अक्सर फिजिक्स में जरा दिक्कत महसूस मतलब करते दूसरा हैं। कोई बुक जी नहीं, फिजिक्स के जैसे मैंने कोचिंग किया था, तो वहाँ के अच्छा, उसी नोट से आपने पढ़ा नोट्स एनसीईआरटी वहाँ के साथ। के काफी थे, बाकी सिर्फ क्वेश्चन वगैरह लगाया, बाकी अच्छा नोट्स मतलब पूरे पूरी तरह से तैयार किया कोचिंग का, जी अपना जी हैंड नोट, और बाकी फिर ओके सिर्फ क्वेश्चन लगाया। अब बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी, और जी जी केमिस्ट्री भी ऐसे ही जैसे फिजिक्स, नहीं अच्छा केमिस्ट्री में भी आधा एनसीईआरटी से लगभग पढ़ा है। अच्छा अच्छा मतलब एनसीईआरटी की बुक्स बेसिक बुक्स हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, और कोचिंग का अगर थोड़ा मटेरियल मिल जाए, जी स्टडी मटेरियल, तो वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको फिर आसानी से फतह कर सकते हैं। जी जी फिजिक्स में तो एनसीईआरटी तो इतना ज्यादा दिक्कत हो जाती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एनसीईआरटी तो पूरी पढ़नी पड़ती है।
जी, एनसीईआरटी तो बेसिक है, वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोई गुंजाइश है नहीं, अदरवाइज कोई टेस्ट कोई बुक बाद में जी काम जी करने वाली नहीं है, ये आपका कहना है। नहीं, बुक वगैरह जो ज्यादा बुक है उसमें उतनी कोई कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जी उसमें जी मटेरियल बहुत ज्यादा है और जी जी वही इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब ये है कि आपका पहले एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई बुक जी लगाएं बिल्कुल, लगाना जी चाहते हैं। जी बिल्कुल अच्छा, जी। टेस्ट वगैरह आप कब कब देते थे, कैसे करते थे, ऑनलाइन कर रहे होंगे आप आजकल? और नहीं, वहां पे था तो वहां पे कोचिंग में टेस्ट होता था, ऑनलाइन ही होता, लास्ट में आके ऑफलाइन होना लगा, होने लगा था। अच्छा, जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत रेहान महफूज साहब, आपको एक बार फिर से मुबारकबाद, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी कीमती टाइम हमें देने के लिए। जी हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस पे अमल करेंगे, और थैंक बहुत कम रिसोर्सेज वाले बच्चे भी अब जो है डॉक्टर बन सकेंगे, वो मोटिवेट रह सकेंगे। थैंक यू वंस मोर, यू। थैंक यू।